सरकार कहती है महंगाई अगर बढ़ी है तो आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। नहीं नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं, आमदनी वही है और घटी है। आमदनी तो घट गई हमारी परिवहन निगम के। महंगाई के हिसाब से जो ये संविदा कर्मी है इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए बस। मान लीजिए आपको रास्ते में सवारी नहीं मिलती है, बस आपकी आधी है आधी खाली है, तो फिर इसका क्या होता है? वो कंडक्टर के ऊपर दिक्कत आती है, उसके ऊपर लोड फैक्टर के ऊपर। मोदी जी के काम से कितने सहमत है? 2024 में वापसी चाहते हैं नहीं चाहते? हाँ, मोदी जी की वापसी होगी। इतना बड़ा रिक्स रहता है ड्राइवरी में और कंडक्टरी में, मजदूर भी 500 रुपए ले रहा है इस टाइम। कितनी सैलरी आपको मिलती है और कितनी होनी चाहिए एक अनुमान के मुताबिक हमको? तो 2024 का माहौल कैसा लग रहा है? आप आम इंसान होने के नाते क्या लगता है आपको, सरकार बेहतर रही है 10 सालों में या लगता है कि विकास के कार्यों में सरकार बेहतर रही है, लेकिन परिवहन निगम की तरफ के जो संविदा के कर्मचारी हैं उनकी तरफ योगी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो एक उनसे उम्मीद थी कि ये नियमित होंगे, तो इनकी तरफ संविदा कर्मियों कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। संविदा कर्मियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। विकास का तरफ ध्यान है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, गाड़ियां भी आई हैं, नई गाड़ी आई हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ कोई बात बताइए। आम इंसान को कितनी राहत है, महंगाई है या नहीं है, सबसे पहला सवाल तो यही है। सरकार कहती है महंगाई तो आम जो जितनी भी सरकार आई है सब में होती रही है। आमदनी दोगुनी हुई है आपकी? आमदनी कहाँ दोगुनी हुई है। सरकार कहती है महंगाई अगर बढ़ी है तो आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। नहीं नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं, आमदनी वही है और घटी है। आमदनी तो घट गई हमारी परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टर, घट गई है। हाँ, ड्राइवर कंडक्टर की घट गई है, बहुत बड़ा हुआ है। सरकार जो योजनाएं लेके आती है, किसी योजना का आपको फायदा हुआ है, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना, राशन, दुनिया भर का? इनको कोई लाभ नहीं मिलता, परिवहन कर्मियों को कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं। क्या परिवहन कर्मी क्या चाहते हैं, सरकार आए तो क्या उनके लिए करे? ऐसा उनके लिए करे, उनके बच्चों की जैसे महंगाई हो रही है, फीस भी बढ़ रही है बच्चों की, हर चीज पे महंगाई आ रही है, तो इनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए या इनको नियमित किया जाए। तो आप लोग की सैलरी बढ़ती नहीं है? नहीं, समान वेतन समान कार्य का एक मुद्दा चल रहा है हमारा काफ़ी दिनों से। जो रेगुलर जो काम कर रहे हैं वही काम हम करते हैं, लेकिन एक मुद्दा हमारा चला हुआ है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मोदी जी के काम से कितने सहमत है? 2024 में वापसी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? हाँ, मोदी जी की वापसी होगी, वापसी होगी। योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, लेकिन इनको यही थोड़ी दिक्कत है, मतलब आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बस, है बस, बस, ना, बाकी ऑलमोस्ट लगता है आपको ठीक है। हाँ, बढ़िया और सब बढ़िया। 2024 महंगाई के हिसाब से जो ये संविदा कर्मी हैं इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए बस, संविदा कर्मियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप लगभग बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत ना हो कितनी सैलरी आपको मिलती है और कितनी होनी चाहिए एक अनुमान के मुताबिक? हमको 1.59 रुपए किलोमीटर मिलते हैं। अच्छा, आपको किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब मिलता है हमें जितना? 59 पैसे। हाँ, डीजल ज़्यादा आ जाने पर वो भी पैसा काट लेते हैं। डीजल अगर ड्राइवर का डीजल ज़्यादा आ जाए, कहीं गाड़ी भगानी पड़ जाए, कंपटीशन तो होता ही है, तो उसकी रिकवरी होती है डीजल की। आपके गाड़ियों में भी कंपटीशन होता है? हाँ, सवारी के लिए जैसे इनकम, जैसे सवारी गाड़ी में कम रहती है तो गाड़ी मतलब भगानी पड़ जाती है सवारी उठाने के लिए, स्टॉपेज के लिए, मतलब टारगेट होता है, तो उसमें हमको इतने परसेंट लोड फैक्टर देना होता है। यहाँ से टोटल सरकारी बसें जाती हैं? हाँ, सरकार नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट नहीं है, यहाँ से सरकारी बसें, सरकारी बसें जाती हैं। तो जिम्मेदारी काम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है? 10 से 12 हज़ार रुपये खींच के मिलते हैं पूरे महीने भागने पे, और उसमें भी 10 लीटर 20 लीटर की रिकवरी हो गई तो वो 10,000 रुपये समथिंग रह जा। मान लीजिए आपको रास्ते में सवारी नहीं मिलती है, बस आपकी आधी है आधी खाली है, तो फिर इसका क्या होता है? वो कंडक्टर के ऊपर दिक्कत आती है, उसके ऊपर लोड फैक्टर के लिए रोक देते हैं भाई, तो कंडक्टर दोषी होता है कि आप सवारी नहीं पकड़ पाए। या तो वेतन से कटौती होगी या रूट ऑफ, रूट से रोक दिया जाएगा, ड्यूटी नहीं देते। अच्छा, आप लोगों पे भी कार्रवाई होती है इस टाइप से? हुई जब ही तो कह रहे हैं समान वेतन समान कार्य का। हमें तो लगता था सरकारी बस है, अगर सवारी आके इच्छा से अपने बैठती है तो ठीक है, वरना आपका तो जनवन। कितना बड़ा रिक्स रहता है ड्राइवरी में और कंडक्टरी में, मजदूर भी 500 रुपए ले रहा है इस टाइम, 15,000 रुपए हो गए महीने के, या 9-10 हज़ार रुपये कुल पड़ते हैं, 10,000 रुपये 12,000 रुपये समझे ना, तो मजदूर से बुरी जिंदगी है भाई। तो कंडक्टर ड्राइवर की टाइम नहीं, कोई पीने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं।
चलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, संविदा कर्मी हैं और कह रहे हैं संविदा कर्मचारियों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बस स्टैंड पे काम करते हैं, कौशाम्बी स्टेशन नहीं, कौशाम्बी बस स्टैंड है और ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है सवारी भरने से लेकर उतारने तक, और जिस तरीके की जिम्मेदारियों को लोग संभालते हैं उस हिसाब से कहना है कि सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। घर परिवार बड़ा होता है और रोज़गार का साधन इतना सीमित है कि परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सैलरी पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार में कमियां ना के बराबर बताई जा रही हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आम इंसान से जुड़ी हैं उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।